हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ जलंधर के स्वादिष्ट और चटपटे छोले। तो आप इसे देखिएगा और अपने घर पे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि ये छोले कैसे बने। तो बिना देर किए अब हम चलते हैं हमारे किचन की ओर, लेट्स गो। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ अपने किचन में। अब मैंने ये छोले लिए हैं। इस छोले को मैंने रात को पानी में भिगा के रखा था। ये ऐसे हो गए, कम से कम 200 ग्राम छोले होंगे। आप अपने हिसाब से, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ये छोले लीजिएगा। एक पोटली बनाऊंगी जिसमें मैंने आपका लिया है चाय पत्ती। इस चाय पत्ती को वन टी स्पून एंड 1/4 आप ले सकते हो। 3-4 तेज पत्ते, दालचीनी, और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े 4-5 अपने ये लौंग। उसके बाद मैंने ली है 2 हरी इलायची, और इसके बाद मैंने लिया है काली मिर्च। 1-2 काली मिर्च बना लीजिए, जिससे कि आपके पूरे जो फ्लेवर्स हैं वो आपके छोले पे आ जाए। अब ऐसे आपको पोटली बनानी है। इस पोटली में अब आप देख लीजिए, कोई भी कॉटन का सॉफ्टी या मलमल का कपड़ा ले लीजिए, मेरे पास यही अवेलेबल था अभी। इसके बाद आपको क्या करना है, पोटली बनाना है जिससे कि इसमें चाय पत्ती का कलर आ जाएगा, चाय पत्ती नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ये कुकर में छोले को डाल दिया है, और अब मैं ये जो मैंने पोटली बनाया था आपके सामने, अब मैं इस पोटली को भी डालूँगी, और इसके बाद अब मैं इसमें अपना थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब आप इस पर ढक्कन लगा दीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये मैंने सीटी लगा दी है। अब मुझे 7-8 या फिर 5-6 सीटी हो जाएंगे, तब आप इसको निकाल लेना। बिल्कुल छोले को बिल्कुल आपको गलाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा छोला हो चुके हैं। अब ये छोले का मैंने, देखिए, ये पोटली को बाहर निकाल दूँगी। बहुत सावधानी से निकालिएगा, बहुत गर्म है। इसे मैं एक स्पून से इसे बाहर निकाल दूँगी, और आप इसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। नेक्स्ट है, इस छोले को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छोले को छान लिया है छन्नी से, और इसके पानी को अलग कर लिया है। इसके पानी को आपको फेंकना नहीं है, ये हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इस पानी को डाल दीजिएगा, बाकी फेंक दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट स्टेप्स है छोले की ग्रेवी के लिए। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या लूँगी, अनारदाने। ये अनारदाने बहुत मेन हैं, आप हो सके तो इसे यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर देता है, खटाईपन इसी से आएगा। और सेकंड है, मैं अपना यूज़ करूँगी नेक्स्ट 1 चम्मच जीरा। ये ज़ीरा मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं हल्का सा 1/4 अमचूर यूज़ करूँगी, इसमें अमचूर भी ले लिया है। और मैं यूज़ करूँगी, अब ये मैं ले रही हूँ, दूसरा यूज़ करूँगी ये काला नमक थोड़ा सा, और तीसरा है हल्का सा आप ले लीजिएगा चाट मसाला एवरेस्ट का, ऑप्शनल है ये, आप ले भी सकते हो, पर मैंने इसमें लिया है हल्का सा, फ्लेवर अच्छा आएगा, क्योंकि हम इसमें बाज़ार का छोले मसाले नहीं मिला रहे हैं, ये हमारा मसाला होगा। अब मैं इसे, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं इसमें सेकेंड थिंग, अपने दूसरे मसाले ऐड करूँगी। ये मेरे पास है लहसुन, मैंने इसमें लहसुन ऐड करना है, ठीक है। ये लहसुन अदरक आप अपने कितना आपको ग्रेवी चाहिए आपके छोले के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने लिया है अदरक, अदरक का छोटा सा टुकड़ा 4 पीसों में काट लिया। ये मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इन सबको अब मैं मिक्सी के अंदर डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अब 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं। अब इस बड़े टमाटर का भी मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ मिक्सी लिया है मैंने, मिक्सर का जार ले लिया है, इसमें टमाटर का पेस्ट तैयार करती हूँ। मेरा ये देखिए, मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब तेल के बाद मैं इसमें 2 चम्मच बड़े घी डालूंगी। 2-3 आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मेरे घर में घी ज़्यादा पसंद है तो घी मैं ज़्यादा डालती हूँ। अब नेक्स्ट है, आप जो मैंने पेस्ट बनाया था इसमें, यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा उधर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तेल हो गया। ये जो मैंने प्याज और ये सब अनारदाने के पेस्ट तैयार करे थे, अब मैं ये इसमें डाल दूँगी।
अब यहाँ हम गैस की फ्लेम को ज़्यादा कर, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा प्याज वाला हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा था, ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा चलाएंगे और हम इसमें डालेंगे अब पांचों प्रकार के मसाले। इसमें आपको गरम मसाला को स्किप करना है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप मैं यहाँ पर लूँगी 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 या 3 आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ लिया मैंने टर्मेरिक पाउडर 3/4 और यहाँ मैं लूँगी नमक स्वाद अनुसार। आप ये नमक का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने चाट मसाला काला नमक भी ऐड किया है और छोले के पानी में भी ऑलरेडी नमक है, तो नमक बिल्कुल बहुत ध्यान से इसमें डालिएगा। हम इस सबको मिक्स कर देंगे। अच्छा ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं थोड़ा सा अभी डालूँगी और थोड़ा सा मैंने 1 पिंच या 2 पिंच मैं अभी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं डालूँगी छोले डालने के बाद, जिससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स आपका देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अब मेरे इस मसालों का। अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। ये मैंने छोले ऐड कर दिए हैं इसमें, अब ये हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए ये मिक्स हो गए, अब हम इसे थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे छोले हो गए हैं, अब थोड़ा पक गया है। अब इसमें मैंने देखिए जो पानी बचा के रखा था ना, वो पानी को मैं ऐड कर दूंगी इसमें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग ये पानी, बचा हुआ पानी को डालिएगा। जैसे मुझे इतना सा ग्रेवी चाहिए तो मैं बस इतना ही यूज़ करूँगी, बाकी यूज़ नहीं करूँगी। ओके ये मेरा हो गया है यहाँ पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेरे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, जो मैंने आपको बोला था कि इसको बाद में भी थोड़ा सा ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है। नेक्स्ट है मेरे पास हरा धनिया, इस हरे धनिया को भी मैंने ऐड कर दिया है, ताजी हरा धनिया है। और अब मैंने इसमें ये मिर्च को अच्छे से 4 भागों में 2 मिर्च को काट के धो के रखा है, अब मैं उसे भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड मेरे बन गए हैं जलंधर के छोले। अब आप इसे पूड़ी के साथ या फिर अपने किसी भी माने भटूरे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, इसके और किसी के भी साथ आप खा सकते हैं।